जिब्रान, वरीशा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी मम, वो हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। आज तो तुम लोगों की शादी का पहला दिन है, आज तो नाश्ता तुम लोगों को घर पे करना चाहिए। नहीं, ये किस रूल बुक में लिखा है? बेटा, किसी किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ रिवायात होती हैं। Come on, मोहम, अब कौन से जमाने की बातें कर रही हैं? ये पुराने जमाने की रवायतें अब कहाँ बची हैं? मैंने तुम लोगों के लिए खास नाश्ता बनवाया आज। अब मोम, आप लोग खा लेना, इसमें क्या है? जिब्रान, क्या हो गया तुम्हें? आज सारी फैमिली के साथ नाश्ता कर लो, और कभी कभी तो ये मौका मिलता है। अभी तो अंकल कुछ दिन है ना यहाँ पे, और किसी और दिन हम कर लेंगे उनके साथ ब्रेकफास्ट। हाँ, मैंने अजहर भाई को भी बुलाया भाई। डोंट वरी, मैंने डैड को बता दिया है, ही अंडरस्टैंड्स एंड ही वोंट माइंड। लेट्स गो जिब्रान। अब ये देखें, नौफिल ने कल ही मुझे ये दिलाए, नजर आ रहे? इतना मैंने मना किया था कि मुझे नहीं चाहिए, मत दिलाएं, पैसों का ज़िया होगा, लेकिन नहीं, जबरदस्ती दिला दी। बेटा ठीक तो कह रहा था नौफिल, तोहफे को इनकार नहीं करते हैं। नौफिल ने आपको पता है अपनी पसंद से दिलाए, अच्छे है ना वैसे? अरे बहुत अच्छे माशाल्लाह से बेटा, बस अल्लाह बरतना नसीब करे। बेटा नौफिल की पसंद तो हमेशा से बहुत अच्छी है, तुम्हारी शादी की शॉपिंग कितनी अच्छी की थी उसने। बेटा नौफिल कहाँ है? वो मीटिंग में गए नानी जान। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चों ने कहाँ कहाँ सैर की? हमने देखा बुर्ज खलीफा और बहुत सारी शॉपिंग की आप सबके लिए, और कल ना नौफिल का ऑफ है तो कल हम सुबह से जाएंगे घूमने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मामू जान कैसे हैं? बेटा मामू भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा पूछ रहे थे। मेरा सलाम कहिएगा उनको, और हाँ मैं रात में कॉल करूंगी। चलो ठीक है। ये बात याद रखना गुल, नौफल की पसंद बहुत अच्छी है, तभी तो उसे मैं पसंद थी, तुम तो मजबूरन आई हो उसकी जिंदगी में। What happened? या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि वरीशा इतनी शार्प होगी। I can't believe कि वरीशा ने आपसे इतना मिसबिहेव किया। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, लेकिन वो जानती नहीं उसने किससे पाला लिया है। मेरा नाम शाजिया मान है, किसी की जुर्रत नहीं हुई है आज तक मुझसे टक्कर लेने की, और वो कल की आई लड़की मुझे नीचा दिखाना चाहती है। बट मॉम, अब तो कुछ नहीं हो सकता, भाई की उससे शादी हो गई है। शादी हुई है ना सिर्फ, तलाक भी हो सकती है। मॉम ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो भाई की उससे शादी हुई है और आप तलाक की बातें कर रही हैं? मैं नहीं कराऊंगी, वो खुद लेगी तलाक। Impossible मॉम, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और भाई उसे कभी भी तलाक नहीं देंगे और ना ही वो लेगी। मैं उसकी जिंदगी इतनी अजीरन कर दूंगी कि वो तलाक लेकर इस घर से दफा हो जाएगी, मैं इसे टिकने नहीं दूंगी यहाँ। इस तरह तो भाई आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो विदिशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि जितना प्यार करता है ना वो उससे, उतनी ही नफरत करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। तुम देखना मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि वरीशा खुद इस घर से जाएगी, और फिर मैं जिब्रान की शादी अपनी पसंद से करूंगी।